नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। मेघला रिसोर्ट हत्याकांड के बाद राजस्थान से पकड़ा गए शातिर किलर को पुलिस ने आज सोमवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां से माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोबारा 5 दिन के पुलिस रिमांड भेज दिया है। अब पूरी पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। दरअसल एक और जहां तिलवारा थाने में मेघला रिसोर्ट में हुई हत्या का मामला आरोपी हेमंत पर कायम किया गया था, वही कोतवाली थाने में भी एक व्यापारी से धोखाधड़ी कर हत्यारे द्वारा व्यापारी को 8.5 लाख का चूना लगाया गया था। थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि कोतवाली निवासी शक्कर और तेल के व्यापारी श्री चिमनानी ने कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी हेमंत द्वारा अपना नाम अभिजीत पाटीदार बताते हुए उसे शक्कर और तेल का व्यापार करना शुरू किया था। शुरुआत में उसने कम मात्रा में खरीदी की और व्यापारी पर उसने विश्वास जमा लिया, तो लगभग 80 केन तेल और शक्कर की बोरियां खरीदी जिसकी कीमत 8.5 लाख थी और जल्दी पैसा देने की बात कहते हुए गायब हो गया था। लगातार इंतजार के बाद जब व्यापारी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी लगी तो उसने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले की पूछताछ के लिए कोतवाली पुलिस ने मेघला रिसोर्ट हत्याकांड के आरोपी की 7 दिन की रिमांड न्यायालय में मांगी थी, जिसको स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा 5 दिन की रिमांड कोतवाली पुलिस को दी गई। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि आज दोबारा आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी अभिजीत उर्फ हेमंत को 26 नवंबर 2022 तक 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हेमंत के ऊपर गबन का प्रकरण दर्ज है, लिहाजा पुलिस आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ करेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज कोर्ट में पेश थी, आज किस तरीके से आरोपी को आज आपने कस्टडी में लिया, रिमांड पे लिया, किस तरीके से, कितने दिन की रिमांड है और क्या मामला? तलवारा थाने के हत्या का आरोपी अभिजीत पाटीदार और हेमंत आज न्यायालय में पेश हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रकरण में भी इसकी आवश्यकता है और हमें भी संपत्ति की रिकवरी करना है। हमने 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है, रिमांड स्वीकृत हो गया है। अब न्यायालय कितने दिन का स्वीकृत करते, डायरी प्रस्तुत प्राप्त होने के बाद में आपको बता पाएंगे। रिमांड स्वीकृत हो चुका है। पूरा मामला क्या था कोतवाली का? जो चिमनानी जी यहाँ के व्यापारी हैं, पहले आरोपी अभिजीत पाटीदार ने अपना फर्जी नाम बताते हुए इनसे व्यापारिक कारोबार शुरू किया, कैश लेन देन किया और शक्कर तेल लेना शुरू किया। शुरू में कम क्वांटिटी में लेन देन करता था और कैश पेमेंट किया करता था। जब विश्वास पूरी तरह से बन गया तब करीब 1.5 महीने के बाद में इसने 80 कैन तेल के और शक्कर की बोरियां वहां से इसने उठवाई और कैश पेमेंट करने का बोला। उसी विश्वास पर व्यापारी ने माल लोड करके डिलीवर किया, लेकिन माल पहुंचने के बाद आरोपी मैं माल के गायब हो गया था, जिस पर हमारे यहाँ पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुआ। कितना रकम, कितना मूल था? करीब 8.5 लाख रुपये। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।